नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी उतारा किस तरीके से किया जाता है, किस मंत्र का उतारे के समय जाप किया जाए जिससे कि उतारे की विधि पूर्ण तरीके से हो और जिस भी चीज का हम उतारा कर रहे हो, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कर दिया हो या कोई बुरी नजर लगी हो, वो दूर हो जाए। तो उसी से संबंधित इस वीडियो में मैं आपको उतारे का ही एक प्रयोग उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो इस प्रयोग के द्वारा अगर आप उतारा करोगे किसी भी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का वशीकरण तंत्र क्रिया की गई है या बुरी नजर लगी है दूर हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस चैनल पर मैं आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी, पुस्तकें और सामग्री प्रदान करता हूं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर चालू कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हो सके। देखिए, कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों को बुरी नजर लग जाती है या फिर किसी भी घर के सदस्य के ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाकर्म कर दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि घर कोई सदस्य किसी भी तांत्रिक वस्तु के ऊपर पैर डाल देता है, क्योंकि चौराहे पर कई तरीके के टोने टोटके किए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज के ऊपर पैर रख देते हैं तो कई बार आपके ऊपर कोई भी बुरी बला लग जाती है। तो उन सभी से बचने के लिए आपको एक उपाय उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर आप इस उपाय के द्वारा उस व्यक्ति का उतारा करोगे तो आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इस विधि को पूरे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये हनुमान जी का एक साबर मंत्र है। इसका प्रयोग करके आप किसी भी व्यक्ति का उतारा कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के पर अगर अभिचार कर्म किया गया है तो वह अभिचार कर्म जल्दी हट जाएगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सरसों, राई और नमक की आवश्यकता होगी। प्रयोग को करने के लिए आपको पहले तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, मंत्र बोल के मैं आपको सुना रहा हूँ और मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख के प्रदान कर दूंगा, जिससे कि आपको मंत्र बिल्कुल सही तरीके से प्राप्त हो जाए। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का, एक तो सरसों सोला राई, मोरो पटवल कोरो जाए, खाए खाए पड़े मारे, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताई पर पड़े, शब्द साचा पिंड कांचा, तो हनुमान का मंत्र सासा, पूरो मंत्र ईश्वरी वाचा, दुहाई माता अंजनी की। इस मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र जाप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हथेली में एक सरसों का दाना लेना है, पीली सरसों का एक दाना लेना है, 16 राई के दाने लेने और 3 डली नमक की लेनी है। मुट्ठी बंद करनी है और 7 बार मंत्र को पढ़ना है। हर बार मंत्र पढ़ के आपको मुट्ठी के ऊपर फूंक मारनी है। 7 बार मंत्र पढ़ के मुट्ठी के ऊपर फूंक मारने के बाद में आपको जिस भी व्यक्ति का उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर मंत्र बोलते हुए आपको 7 बार इस मुट्ठी को घुमाना है। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार घुमाना है, सर से लेके पैर तक। और उसके बाद में आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी की है, हनुमान जी महाराज, आप इस व्यक्ति के ऊपर की गई सभी प्रकार की बुरी कर्मों को दूर करें और इस व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। उसके बाद में आपको इस सभी सामग्री को जलती हुई आग में तुरंत डाल देना है। के बाद में उस व्यक्ति को जो भी बुरी नजर लगी है या फिर उसके ऊपर जो भी अभिचार कर्म किया गया है वो तुरंत कट जाएगा और उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रयोग को आपको जरूर करना है। इस प्रयोग से आपको 100% सफलता मिल जाएगी और उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग को कर दीजिए। बहुत ही सरल प्रयोग है, आप अपने घर पर ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। और देखिए, ये एक स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, तो इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मंत्र आपका शक्तिशाली हो इसलिए इसे किसी भी अच्छे दिन, किसी भी मंगलवार को या शनिवार को या फिर अगर कोई ग्रहण काल पड़ रहा है या होली दिवाली दशहरे के दिन आपको एक माला जाप करना है। गूगल की धूप जलाकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने और फिर आपको हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना है। फिर बाद में उस प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों को, छोटे छोटे बच्चों को, घर में जो भी पालतू पशु हैं उनको डाल दीजिए। तो उसके बाद में आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और जब भी प्रयोग करना हो इस मंत्र का इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति का उतारा कर सकते हो। देखिए, उतारे करने के बहुत सारे मंत्र होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र होते हैं। हो सकता है कि आपके कुल देवी देवताओं का भी आपके मंत्र होते हैं। अब देखिए, कुलदेव देवताओं के जो मंत्र होते हैं वो हमारे परिवार के बुजुर्गों द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। हर प्रकार के मंत्र जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, लेकिन सभी में उतारा इसी तरीके से किया जाता है। जिस भी व्यक्ति का उतारा करना होता है सामग्री को उसके ऊपर से फिराना होता है। एक सामान्य सा उतारे का प्रयोग और मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। नीम की टहनी तोड़कर भी आप जो है किसी भी व्यक्ति के झाड़ा दे दीजिए। हनुमान जी का नाम लेते हुए जय श्री राम बोलते हुए
तो भी उसके ऊपर से जो भी बुरी नज़र है वो कट जाएगी। तो आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हो, ये मंत्र वाला प्रयोग आप कीजिए, हनुमान जी के साबर मंत्र का प्रयोग बहुत ही कारगर है, इसके द्वारा आपको लाभ की जरूर प्राप्ति होगी, आप इस प्रयोग को कीजिए। अगर आपको उतारे से संबंधित और भी मंत्र प्राप्त करने हैं तो हमने साबर मंत्रों की पुस्तक उपलब्ध करवा रखी है, उनमें कई प्रकार के उतारों से संबंधित मंत्र प्रयोग बता रखे हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, वहाँ से आपको मंत्र और भी प्राप्त हो जाएंगे। आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है, और आप कृपया करके इस वीडियो को आगे अन्य लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस तरीके के तांत्रिक कर्मों से बच सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और इन सदस्य की तरह अगर किसी भी सदस्य के मन में कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, तो अभी आप नीचे कमेंट कीजिए, आपकी जो भी अभिलाषा रहेगी, जो भी आपकी इच्छा रहेगी, उससे संबंधित जानकारी हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।